अभी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। CCTV में कैद हुई सनसनीखेज वारदात, रिवॉल्वर की नोक पर लूट लिए 1,40,00,000। भारत को आखिरकार मिला पहला लोकपाल, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। कन्हैया कुमार लेफ्ट उम्मीदवार के तौर पर बेस राय से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अब खबरें विस्तार से। कार में करीब 1,40,00,000 रुपए थे। प्लानिंग के तहत कुछ दूरी पर लुटेरों ने कार छोड़ दी और पैसों का बैग लेकर बाइक और स्कूटी पर अपने साथियों के साथ फरार हो गए। वारदात का CCTV फुटेज भी बरामद हुआ है, जिसमें बदमाशों के चेहरे तो साफ नहीं देखे जा सकते, लेकिन उनकी करतूत साफ तौर पर देखी जा सकती है। पीड़ित कारोबारी ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। शनिवार का दिन भारत के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिन PC घोष को लोकपाल प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई और PC घोष देश के पहले लोकपाल बन गए हैं। लंबे प्रयासों और तमाम आंदोलन के बाद आखिरकार भारत को पहला लोकपाल मिल ही गया। राष्ट्रपति कार्यालय से उनकी नियुक्ति की अधिसूची जारी कर दी गई है। भारत में लोकपाल लाने में 59 साल लग गए, जबकि दुनिया में लोकपाल कानून का इतिहास लगभग 210 साल पुराना है। आइए जानते हैं भारत में लोकपाल की शुरुआत कैसे हुई। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बीते कुछ दिनों से बिहार की सियासी सुर्खियों में है। महागठबंधन की ओर से टिकट नहीं मिलने के बाद अब छात्र नेता कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट से ही CPI की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुरवर मनसुधाकर रेड्डी ने इसकी घोषणा की। इस सीट से उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री और BJP नेता गिरिराज सिंह से होगा। नवादा से सांसद गिरिजन सिंह को इस बार बेगूसराय से टिकट दिया गया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।